तीन भमरा देखे तीन भमरा छै एमे तीनो भमरा खुल्ला छै कल लेकर छी राव लेने रसन के चली आबे त कुत्ता सटी रख कोने रख दे नहीं हम नमस्कार, आप जो रहे करुण बिहारी के साथ और आप देख रहे हैं प्रत्येक खबर एक नज़र। दोहरा लगा दिया है शतक पानी का जलस्तर ने और काफ़ी विस्तार देखने को मिल रहा है और आप देख रहे हैं इस वीडियो के साथ पानी का जलस्तर जो है कि इस रोड पे जो है कि घुटना भर पानी भर चुका है। सुबह से लेकर ये आपको दिखा रहे हैं दिन का और सुबह लगभग 8 बजे का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं और पानी का जलस्तर विस्तार देखने को मिल रहा है। चलिए एक नज़र आपको दिखाते हैं खेतों का नज़रिया। आगे में वो जो देख रहे हैं ये जंगल है, जंगल के निकट एक भोमड़ा है, भोमड़ा पर भी जो है पानी का जलस्तर, चलिए दिखाते हैं कितना पानी है और ये जलस्तर इसका जो है ना 4 फीट नीचे चला गया था, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं भोमड़ा पर भी जो है ना 3-4 इंची हो चुका है पानी। देख रहे हैं यहाँ पर पानी का जलस्तर और घास लाने वाले किसान लोगों को बढ़ गया परेशानी, अब साइकिल भी नहीं टप पाएगा इस ओर में। ये जो देख रहे हैं ना किसान लोगों का कलाई का फसल ये सारा नष्ट हो गया, यहाँ पर कलाई बोया गया था और वहाँ पर देख रहे हैं हरी हरी घास है और उस घास में भी पनिया चला गया है। और यहाँ पर देख रहे हैं किसान सुबह सुबह जो है खेत में जो है कि घास काटने के लिए पहुँच चुका है और इसमें क्या क्या बोए थे, कलाइयो बोए थे, कला भी नहीं ना। ये पानी का स्थिति क्या दिन में इतना ज़्यादा हो गया, दो दिन में। और किसान बता रहे हैं कि ये पानी का जलस्तर 2 दिन में हो गया है इतना और लगभग जो है कि 2.5 फीट से ज़्यादा बढ़ चुका है पानी का जलस्तर। किसान लोग देख रहे हैं यहाँ पर आए हैं घास कटाई करने के लिए सुबह सुबह, इसलिए सुबह सुबह आए हैं कि ताकि सुबह लेकर चले जाएंगे कहीं ना इससे भी ज़्यादा पानी बढ़ जाएगा। और यहाँ पर ट्रांसफार्मर के पास जो है कि निकट पानी जल जमा हो गया है, लेकिन ट्रांसफार्मर का लाइन काट दिया गया है ऊपर से, इसलिए काटा गया कि ये एग्रीकल्चर ट्रांसफार्मर है और ये किसान लोगों की सुविधा के लिए पानी के लिए दिया गया था। अभी तो पानी ऐसे जलस्तर बढ़ा हो है ये है और चलिए हम पानी से बाहर हो चुके हैं। किसान देख रहे हैं यहाँ जोताई किया है, मुरई बोएंगे, लेकिन यहाँ पानी का जलस्तर इतना बढ़ा डर के मारे किसान जोत किए हुए छोड़ दिया है। और यहाँ पर ऊपरी सतह पर बैंगन का फसल है, सबसे ऊंचा यही है कालिंदीनगर बिहार का जो कि ऊंचा जगह है, सबसे ऊंचा जगह, लेकिन पानी जो है चारों तरफ से घेर लिया गया है। वहाँ पर देख रहे हैं कुछ किसान जो है कि पानी का चिन्हित दे रहे हैं कि पानी
कितना बढ़ रहा है। तो पानी का जायजा लेने के लिए आप पहुंचे हैं किसान लोग, उनसे भी जानकारी लेंगे। चलिए वीडियो के साथ बनते रहिए। पानी का जल स्तर क्या स्थिति है? पानी बढ़ रहा है। क्या बच पाएगा ये एरिया? नहीं बच पाएगा। क्या दिन में इतना सब पानी आया? चार दिन में खेला खत्म हो गया। ये कितना दिन में पानी इतना विस्तार हुआ? दो बार तो होइएगा। क्या दिन हुआ है पानी इतना बढ़? दो दिन में। तो आप सुन ही रहे हैं किसानों के माध्यम से, और जल स्तर का निगरान यानी कि देखने के लिए आया था, निरीक्षण करने के लिए। और यहाँ पर चलिए दिखाते हैं जल स्तर का क्या उभार है, क्या स्थिति है। और यहाँ पर देख रहे हैं जल स्तर का पूरा, देख रहे हैं छोटी सी खाई में जा रहे हैं रेगते हुए। यही कहावत में है, समय के बिना कुछ होता नहीं और समय पूरे हुए कोई काम जाता नहीं। और यहाँ पर देख रहे हैं, और एक आवश्यक सूचना है सभी वीडियो को देखने वाले, और आप लोग अगर खेत खलिहान जाते हैं तो आप जो है कि थोड़ा सावधानी से जाएं, क्योंकि पानी में बहुत सारे निकलते हैं, सांप भी आ जाते हैं, छोटे छोटे जानवर भी आ जाते हैं, उसको थोड़ा देख कर ही खेतों की ओर जाएं और एक डंडा ज़रूर लेकर जाएं। ये देख रहे हैं बसबिट्टा में पानी घुस गया, जबकि ये जगह ऊंचा था। और ये पहले वाला पानी का ये देख रहे हैं, ये जो है कि गड़ी का गया हुआ लीक है, ये पहले वाला पानी का स्थिति है। और पहले वाला ही विस्तार रूप, जबकि अभी देखें पहले वाला पानी अभी तक नहीं सूखा है, बगल में पानी आ पहुँचे हैं। हमको जाना था दूसरा रास्ता से, लेकिन हम दूसरे रास्ते से आ गए हैं, और इसलिए कि जलस्तर को दिखाने के लिए हम आए हैं और हम पानी में घुस रहे हैं। देखते हैं स्थिति क्या बना हुआ है। और चलिए हम दिखाते हैं पानी जो है, मेरा जो है ये जंग से भी ऊपर पानी हो गया है। तो आप लोग अगर छोटा नटा कद का है तो आप लोग है जो है कि पानी में आइएगा ज़रूर, लेकिन लाठी को ज़रूर लेकर आइएगा, क्योंकि लंबा आदमी तो उतना दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो नटा आदमी है उसको परेशानी बढ़ ही जाएगा, क्योंकि पानी तो विस्तार देखने को मिल रहा है। और ये रास्ता था, ये सूखा हुआ रास्ता था, ये जगह इस समय सब में कलाई बोया था किसान, देख रहे हैं ये है प्लांट जो देख रहे हैं। ये रास्ता था मुख्य रास्ता पैदल जाने वाला, यहाँ पर अभी पानी जो है कमर भर चूम रहा है। हमको लगता है कि दूसरे उस खेत से आने में हमको दूसरा रास्ता चूज करना पड़ेगा। वीडियो के साथ बने हैं, तो लगातार चलिए खेतों तक दिखाएंगे वीडियो। ये देख रहे हैं जगह जगह पर पेड़ सब जो है कि गिर चुका है, क्योंकि दोबारा जो पानी आया इस वजह से जो है कि पेड़ का जड़ खाली हुआ, मिट्टी खाली हुआ, इसलिए जो है कि पेड़ देख रहे हैं दूसरे के खेतों में झुक गया है। एक नहीं, यहाँ पर दो हैं, उधर दो है, चार पेड़ जो है कि बबूल का गिर चुका है। अब जो है कि पानी सूखने के बाद एक परेशानी बढ़ चुका है खेतों वालों को। यहाँ पर देख रहे हैं किसानों का मिर्ची का फसल लगा हुआ था, ये भी पहले वाले बाढ़ के पानी में चपेट में आने से पानी में ये सारा डूब गया। और कई किसानों का जो है कि कोबी लगाया हुआ फसल भी वो भी नष्ट हो चुका है। और अभी गंभीर रूप आपको दिखा रहे हैं जलस्तर का, तो चलिए हम एक नज़र और आगे की, ये दूसरी धार,
एक दो तीसरा धार हम टप चुके हैं और चौथा धार दिखाएंगे। जो पानी का धार होता है जिसे कलवलिया धार बोलते हैं, कोई भी धार बोलते हैं, उस स्थिति को हम वीडियो के माध्यम से देखने का प्रयास किए। तो लगातार आप लोग बनते रहिए। जिस जगह पे हम पहुँचे हैं अभी, उस जगह दियारा क्षेत्र का सबसे ऊँची जगह है, जहाँ पर पानी कभी नहीं चढ़ता है, और चढ़ता भी है तो जब इस पर चढ़ेगा तो गांव में पानी घुस जाएगा। क्योंकि वीडियो में आप पहले ही देख चुके हैं, गांव से लेकर आपको हम दिखा रहे हैं खेत तक का वीडियो में कि कहां तक पानी का विस्तार रूप देखने को मिला। इस तरह आप और वीडियो में नहीं देख पाए होंगे कि पानी का जलस्तर क्या है, लेकिन इस वीडियो में हम गांव से लेकर खेत तक आपको दिखाने का प्रयास किए और कोई एडिटिंग वीडियो नहीं दिखाए, सभी हकीकत दिखा रहे हैं और आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर एक देख रहे हैं मुर्गी है, और मुर्गी पर किसान जो है कि खेत जोगने के लिए लगाया था, यानी कि खेत का फसल कोई भैंसवार नष्ट ना कर दे, इसलिए जो है कि यहाँ पर मुर्गी बनाया गया था। यहाँ मुर्गी तक भी पानी आ गया है और जगह जगह सूखा खेत को देखने को मिला है, लेकिन पानी का जलस्तर धारे धार जो है कि पानी घुस चुका है खेतों में। पानी इधर एक धार उधर से है, एक धार इधर से, दोनों जो है कि अपना आमने सामने जो है टक्कर पानी यहाँ दे चुका है, और रोड के किनारे से लेकर कलवलिया धार से लेकर गांव तक जो है कि रोडों रोड में पानी का जलस्तर मिल चुका है, और सिर्फ वो जो बचा हुआ है ऊपरी सतह बचा हुआ है, और वो भी जो है कि अगर इस तरह विस्तार रूप पानी का देखने को मिलता रहेगा तो जलमग्न ही हो ही जाएगा। और इस तरह हम दिखाएं, और आप हर वीडियो में जब जुड़ते हैं तो हम कुछ ना कुछ आपको दिखाते रहते हैं, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाता है लेकिन आपको रूबहू करके दिखाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है बाढ़ के समय में कौन सा फसल उगाया जाए जो कि आपको फायदा हो और कोई तरह के नुकसान भी ना हो, वह फसल है ये खेरी। खेरी का खेत में पानी अगर चल जाता है, अगर खेरी का जो है कि बल्ला अगर ऊपर रहेगा तो मरता नहीं है, ये जो है दूध बढ़ाने के काम में आता है। देख रहे हैं पकने की ओर पे कगार पे है, और आसीन महीने का ये बाढ़ देखने को मिल रहा है। जो नहीं जानते होंगे, और आसीन मास में दशहरा के समय में बाढ़ कभी आया होगा तो पहले आया था, लेकिन अभी के नवयुवक की ज़िंदगी में जो है कि ये डिजिटल इंडिया की ज़िंदगी में जो है कि अभी बाढ़ देखने को मिल रहा है आसीन मास के। ये जो देख रहे हैं ये सितंबर का वीडियो आपको दिखा रहे हैं, और सितंबर महीने का आप देख रहे हैं आसीन मास घुस चुका है, और आसीन मास में जो है कि वीडियो के माध्यम से दिख रहा है बाढ़ का स्थिति क्या बना हुआ है। इसीलिए कहता है मौसम और ज़िंदगी का मुकाबला कभी भी हो सकता है, इसलिए जो है कि बाढ़ का स्थिति कभी भी अपना रुख बदल सकता है। तो इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में हम और वीडियो के साथ जुड़ते रहेंगे। तब तक वीडियो के साथ बनने के साथ आप सब को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इतना समय दिए हैं। इसी तरह वीडियो के साथ बनते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। और आप देख रहे हैं भागलपुर जिला तेनटंगा दियारा रंगरायन गोपाल प्रखंड इलाके का एक नज़रिया जलस्तर का। इस वीडियो में देखे गांव से लेकर खेत तक का एक नज़रिया। इसी तरह वीडियो के साथ बनते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।